प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह लाओस के लिए रवाना हो गए। अपनी 2 दिवसीय लाओस यात्रा के दौरान वो 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। एशिया शिखर सम्मेलन भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को लेकर एक महत्वपूर्ण मंच है। प्रधानमंत्री आसियान देशों की सरकारों के अन्य राष्ट्र अध्यक्षों के साथ भारत और आसियान के बीच संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और संबंधों की भविष्य की दिशा भी तय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने लाओस पीएम सोनेक्स के सिपांडोने के निमंत्रण पर वियंतियाने का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बयान में कहा कि इस वर्ष हम अपनी एक्ट ईस्ट नीति का एक दशक पूरा कर रहे हैं। भारत आसियान नेताओं के साथ मिलकर हमारे व्यापक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेगा, साथ ही आगे की रणनीति किए जाएंगे।